नमस्ते इंडिया, मैं हूं डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एज पाठशाला में। हम लोग यहां पे आज डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग का एक नया टॉपिक जो है सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सेल सिग्नलिंग है उसका ओवरव्यू क्या होता है, किस तरीके से सिग्नल मॉलिक्यूल्स विल ट्रैवल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, अपनी बात कहते हैं सेल्स एक दूसरे से। जैसे एक सेल में अगर कुछ हो रहा है तो वो अगले सेल तक वाया द सिग्नलिंग पहुंचाते हैं, राइट। तो ये सारा जो स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर के थ्रू वर्क करेगा, तो वो रिसेप्टर्स किस किस तरह के होते हैं। हमें ये पता है कि से फॉर एग्जाम्पल इफ़ दिस इज़ अ सेल, यहाँ से अगर कोई सिग्नल निकल रहा है तो वो जाएगा और यहाँ पे बाइंड करेगा। यहाँ पे होते हैं इनके कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट, जिनके साथ जाकर के ये सिग्नल मॉलिक्यूल जो बना था वो इनके साथ बाइंड करेगा और कुछ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो है रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो लिगेंड से बाइंड करेंगे, क्लियर। और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी मेनली होते क्या हैं, वो भी केमिकली प्रोटीन्स ही होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दैट टू ऑन अ टारगेट सेल, क्लियर। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसेप्टर दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो इंट्रा सेलुलर हो यानी कि सेल के अंदर प्रेजेंट हो, या तो न्यूक्लियस पे या फिर यहाँ साइटोप्लाज्म में, कुछ इस तरह के दो रिसेप्टर्स होते हैं। और दूसरा जो कैटेगरी है वो है सेल सरफेस, यानी यहाँ बाहर इधर प्रेजेंट हो, राइट। तो ये दो तरह के रिसेप्टर्स को हमने डिस्कस करना था। उसमें हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाली कैटेगरी है, जिसमें हम सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करेंगे, उसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लिगेंड्स, जैसे कि हाइड्रोफिलिक लिगेंड्स हो सकते हैं, लाइपोफिलिक लिगेंड्स हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन्स का काम क्या होता है, वो क्या करेंगे, वो जब लिगेंड के साथ बाइंड करेंगे तो वो सिग्नल ट्रांसड्यूस करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इट मींस ये बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जैसे ही रिसेप्टर और लिगेंड आपस में बाइंड करेगा तो यहाँ कैस्केड ऑफ रिएक्शंस जो होंगे वो क्या होंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस होता है इसी को मेनली हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया है तो आप वहाँ जाके उनको रिसीव कर रहे हैं, राइट। अब आप वो सिग्नल, वो जो चीज़ें हैं वो किसी न किसी को तो बताएंगे कि भाई मम्मी या पापा या भैया दीदी जो भी है कि यहाँ हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है, ठीक है। अगर आप छोटे हैं तो आप अपने किसी न किसी बड़े को बताते हैं। सिर्फ एग्जांपल आपने अपनी बहन को बता दिया कि दीदी देयर इज समवन, जाओ मम्मी को बताओ, या भैया देयर इज समवन, तो वो मम्मी या पापा किसी न किसी को इन्फॉर्म करेंगे। तो दैट भैया और दीदी विल एक्ट एज द सेकेंड मैसेंजर, वो इंट्रा सेलुलर मैसेंजर हैं, घर के अंदर वाले मैसेंजर हैं, वो जाके वही चीज़ अपने बड़े को और इन्फॉर्म करेंगे, ताकि फिर वो रिएक्शन में जो भी उनको करना होगा, जो भी उनके रिस्पॉन्सेज होंगे, दे विल गिव दोज रिस्पॉन्सेज, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे सेल जो है वो भी आपस में उसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल आपस में बातचीत करने के तरीके के लिए ही सिग्नलिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वही है कि द मैसेंजर स्टिमुलेट कैस्केड ऑफ रिएक्शन और सेलुलर रिस्पॉन्स। भैया दीदी ने जाके जो भी कुछ बात थी वो पापा मम्मी को बताई, वहां पे सेलुलर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो अब समझते हैं जरा कि कौन कौन से टाइप के सेल सरफेस रिसेप्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का गेस्ट तो नहीं आता ना आपके घर, अलग अलग तरह के गेस्ट आ सकते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स को भी तीन डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, थ्री क्लासेस ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। फर्स्ट वन इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इनको हम GPCR भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज आयन चैनल रिसेप्टर, थर्ड वन इज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इन्हीं कैटेगरीज के सब कैटेगरीज में और भी तरह के रिसेप्टर्स आते हैं। जैसे जी प्रोटीन जब कराऊंगी तो मैं उसके जो जो सब एग्जाम्पल्स होंगे मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फिर हम उनको एक एक करके एक एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, राइट। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड विद दिस कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, बिकॉज एक चैप्टर थोड़ा ह्यूज है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको हर एक वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन के साथ ये कपल्ड होते हैं इसलिए इनका नाम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, क्लियर। ये एक सिंपल सा रिएक्शन है जहां पे हम देख रहे हैं कि ब्लड वेसल होता है, ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये लिगेंड्स हैं। अब ये लिगेंड्स क्या करेंगे, ये जाएंगे और जाकर के सेल सरफेस के ऊपर
डायरेक्टली तो एक्ट करेंगे नहीं, तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर है हमारा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ जाके कुछ सेकेंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस करेगा साइटोसॉल के अंदर, और यहाँ पे कुछ सेकेंड मैसेंजर कुछ 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 केसेस में यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो सेकेंड मैसेंजर जो इंड्यूस होंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो सेलुलर रिस्पॉन्स देंगे। तो यही चीज़ मेनली होती है जब भी कोई सेल सरफेस रिसेप्टर अपने किसी भी लिगेंड के साथ बाइंड करता है। ये एक स्ट्रक्चर है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, GPCR, क्योंकि ये GPCR इसके शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं। पहले हम इनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स बोलते थे क्योंकि इनमें 7 लूप्स होते हैं। तो आप देखो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 जो इनके लूप्स हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। इसका एंड टर्मिनल जो होता है ना, जो कि लिगेंड से बाइंड करेगा, वो बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड द सेल। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये बाहर की तरफ क्या है, यहाँ पे इसके लिगेंड के बाइंडिंग का डोमेन प्रेजेंट होता है एन टर्मिनल पे। और यहाँ सी टर्मिनल, दैट इज कार्बोक्सी टर्मिनल, ये साइटोसॉल के अंदर रहता है। तो ये याद रखना आई थिंक बहुत आसान है, सी फॉर साइटोसॉल एंड सी फॉर कार्बोक्सी टर्मिनल। तो ये दोनों चीज़ आप आराम से कोरिलेट करके याद रख सकते हो। कुछ बेसिक सा फीचर समझ लेते हैं इन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में। ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिसेस होते हैं, जैसे हमें पता है ना कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, तो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स, बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के। तो यहाँ पे मेनली ये क्या होते हैं, ये होते हैं अल्फा हेलिसेस, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस आउटर सरफेस इज द बाइंडिंग साइट फॉर लिगेंड, जो मैंने अभी जस्ट बताया, क्योंकि ये क्या था, यहाँ पे ये एंड टर्मिनल था। इनर सरफेस इज बाइंडिंग साइट फॉर GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो अब समझ में आया, यहाँ पे ये होता है सी टर्मिनल, हमने बोला था साइटोसोल के अंदर सी टर्मिनल होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, एंड टर्मिनल होता है। यहाँ क्या बाइंड करेगा, यहाँ बाइंड करेगा कोई भी लिगेंड आके, और यहाँ पे क्या बाइंड करता है, यहाँ पे बाइंड करता है GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स, इसीलिए हम इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो जी प्रोटीन है वो यही है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये लार्जेस्ट फैमिली है रिसेप्टर्स के, और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सभी यूकैरियोट्स में ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी रिसेप्टर में सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी रिसेप्टर का प्रेजेंट होता है तो वो GPCRs का ही होता है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी ऑफ लिगेंड्स के साथ बाइंड करते हैं। ये एक तरह के लिगेंड के साथ नहीं बाइंड करते, देयर आर नंबर ऑफ लिगेंड्स जिसके साथ ये बाइंड कर सकते हैं, राइट? तो एक बड़ा ही सिंपल से एग्जाम्पल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ होता क्या है। दो दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीट डायग्राम, बट येस आई विल ट्राई टू लेट यू नो कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये देखिए, ये एक रिसेप्टर है, हमने बोला था कि एंड टर्मिनल जो था वो क्या था, वो सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने का या लिगेंड के साथ बाइंड करने का एक स्पेस है एंड टर्मिनल। तो ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करने के चक्कर में आपको ये समझाया हुआ है। यहाँ पे भी इनएक्टिव फॉर्म में भी ऑफकोर्स यहाँ पे जी अल्फा प्रोटीन्स जो होंगे वो लगे हुए होंगे, या GDP बाइंडिंग जो होती है वो हम समझेंगे, बट ये जस्ट टू रिलेट थिंग्स मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना के बताया है, और इसका जो डिटेल्ड मैकेनिज्म है वो जब हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पे एक सिग्नल मॉलिक्यूल आता है, ये इसके साथ बाइंड करता है, ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन को इंड्यूस करता है, जहाँ पे होता क्या है, पहले जो ये जी प्रोटीन्स हैं ये मेनली क्या होते हैं, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जी अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 तरह के यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, तीनों डिफरेंट हैं आपस में। तो ये जी अल्फा जो होता है ये साइट होता है जहाँ पे GDP या फिर GTP बाइंड कर सके। हमने बोला था ना कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, तो यहाँ पे मेनली ये जी अल्फा बीटा गामा जो है ये जी प्रोटीन्स हैं। तो यही जी प्रोटीन्स में यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो GDP बाइंड करे या फिर GTP बाइंड करे। ये जब डाइफॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो ये इनएक्टिव स्टेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिगेंड की बाइंडिंग हुई है। ठीक है, बाइंडिंग होने के साथ साथ यहाँ पे GDP है, लेकिन जब इसको एक्टिवेट करना है या सेलुलर रिस्पॉन्स देना है तो क्या होता है, GTP जो है वो बाहर आ जाता है और GTP जो है वो इन आ जाएगा, और GTP आएगा और इसके साथ बाइंड करेगा, यानी ये GDP को रिप्लेस कर दिया किसने, GTP ने। अब जैसे ही GTP के साथ ये बाइंडिंग होगी, यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाएगा इस प्रोटीन का। तो ये मैंने येलो में थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये एक्टिवेशन है, और जब एक्टिवेशन होता है तो ये बीटा गामा जो है ये कॉम्प्लेक्स अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तीनों साथ में थे, लेकिन यहाँ जब एक्टिवेशन होता है बीटा गामा कॉम्प्लेक्स जो है वो जी अल्फा से अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। बट ये इतना सिंपल प्रोसीजर नहीं है, ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है अभी आपको, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सेकंड मैसेंजर इंड्यूस होगा, सेकंड मैसेंजर फिर सेलुलर रिस्पॉन्स कराएगा, तो वो सब कैसे कैसे होता है वो हम डिटेल वीडियो देखेंगे। अभी के लिए आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर हमारा जो दूसरा क्लास है रिसेप्टर्स का,
वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इनमें एंजाइम होंगे, ये जो रिसेप्टर्स होंगे इनमें एंजाइम है वो लिंक्ड होगा। तो इसमें होता क्या है, देखो आप, ये एक सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक रिसेप्टर का पार्ट इधर है और एक रिसेप्टर का पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे इनके एंड टर्मिनल पे ही क्या है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन। हमेशा याद रखना है कार्बोक्सी टर्मिनल साइटोसोल के अंदर होगा और जो लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है और वो हमेशा एंड टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पहले क्या होते हैं ना, रिसेप्टर दूर दूर रहते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने कोई चॉकलेट दी, रिसेप्टर्स आ जाएंगे पास पास, तो वो आपस में डाइमराइज कर लेंगे। जैसे बचपन में होता था, हमें कोई चॉकलेट देता था, भाई बहन दोस्त दोस्त हो जाते थे कि भाई ठीक है अब हम मिलके खा लेंगे, और फिर वापस से अलग अलग, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही कोई लिगेंड आएगा ये दोनों रिसेप्टर एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ये डाइमराइज करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेट करेंगे डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स। और यहाँ पे जो हमने एंजाइम का एग्जांपल लिया है वो है प्रोटीन काइनेज डोमेन, और प्रोटीन काइनेज में भी हमने मेनली यहाँ पे टायरोसिन काइनेज डोमेन का एग्जांपल लिया हुआ है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये दोनों आपस में एक दूसरे से डाइमराइज करेंगे, यानी दोनों आस पास आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटोफॉस्फोरिलेशन हो जाएगा रिसेप्टर का, ठीक है। तो ये फिर ऑटोफॉस्फोरिलेशन ऑफ रिसेप्टर विल लीड टू कैस्केड ऑफ रिएक्शन। तो ये भी इतना सिंपल नहीं होता, और ना ही इसमें सिर्फ एक टाइप का एग्जांपल है। तो अगेन जब मैं ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर का एग्जांपल लूंगी, तब मैं आपको डिफरेंट इसके जो पाथवेज हैं वो भी डिस्कस करके समझाऊंगी। थर्ड क्लास हमारा रिसेप्टर का है आयन चैनल रिसेप्टर। ये है हमारा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे ये चैनल्स हैं, आयन चैनल्स हैं। हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। तो ये सारे चैनल्स में से कोई एक चैनल का आप एग्जांपल समझ लो, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, ये चैनल के साथ रिसेप्टर जो है वो बाइंड रहेगा। तो जैसे ही इनका आयन आएगा, आयन यानी कि ये आयन जो है दैट विल आल्सो एक्ट एज लिगेंड फॉर दिस पर्टिकुलर बाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, लिगेंड आएगा और जाके बाइंड करेगा इस रिसेप्टर के पास। जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये चैनल को ये ओपन कर देगा, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सेल सरफेस रिसेप्टर बाइंड टू एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड। यहाँ पे भी अगेन लिगेंड जो है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पे अगेन क्या होगा, रिसेप्टर और लिगेंड की बाइंडिंग होगी। इसकी वजह से क्या होगा, आयन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लो करेंगे, यानी ये जो आयन है इसके साथ बाइंड होने की वजह से यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। जब ये बाइंडिंग होगी रिसेप्टर और लिगेंड की, तब ये चैनल क्या होता है, ओपन हो जाता है, ठीक है। और फिर जब बाइंडिंग नहीं होती है आयन की, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर नहीं एक्टिवेट रहेगा, तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे चैनल जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। हमने पढ़ा कि रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर्स में भी हमने यहाँ कौन से रिसेप्टर की बात की, सेल सरफेस वाले रिसेप्टर की, ठीक है, सरफेस पे जो प्रेजेंट थे। एक हमने पढ़ा GPCR, दूसरा हमने पढ़ा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, और तीसरा हमने पढ़ा आयन चैनल रिसेप्टर्स। और हमने ये भी बताया कि हर एक रिसेप्टर फैमिली में या क्लास में आप मल्टीपल एग्जांपल्स समझोगे, क्योंकि मल्टीपल पाथवेज आर इन्वॉल्व्ड। तो हम एक एक वीडियो में एक एक पाथवे को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हैविंग द सेम पेज नेम, दैट इज पाठशाला। और तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।